बिना टमाटर के आलू की सब्जी इतनी टेस्टी बन जाती है, तो टमाटर महंगा आ रहा तो क्या हुआ, फिर टिफिन हो चाहे पूड़ी पराठा दाल चावल किसी के साथ भी आप खाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला, उसके बाद जीरा और थोड़ी सी खड़ी धनिया डाल करके, दो प्याज कट के डाला और थोड़े सा लहसुन 6 से 7 आड़ी, और इसको काफ़ी अच्छे से चला लेंगे, भून लेंगे। भूनने के बाद में अदरक भी इसमें थोड़ी सी घिस करके डालेंगे, और उसके बाद जब इसको थोड़ा सा भून लेंगे फिर हींग डालेंगे, और हींग डालने के बाद फिर से इसको थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़े से खड़े मसाले जैसे हल्दी और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल करके थोड़ा सा पानी डाल के इसको चलाएंगे, और थोड़ा सा इसको भूनने देंगे लो फ्लेम पर। फिर 5 से 6 आलू को कट करके, ये बॉयल्ड आलू है, इनको कट करके और फिर इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद इसको चलाइए, उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालिए और फिर से इसको भूनिए, काफ़ी अच्छे से भूनिए। मैंने ऑयल की मात्रा थोड़ी कम रखी है, और भूनते भूनते फिर देखिए जब काफ़ी अच्छे से भून जाए, यानी थोड़ा कुरकुरा जैसा हो जाए, फिर आप इसको निकाल लीजिए, सर्व करिए। फिर देखिए ये उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, बहुत ही टेस्टी बना हुआ ये आलू। आप यकीन नहीं आता तो आप इसको बना करके ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।